हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है नॉइज़ की बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्ट वॉच, नॉइज़ आइकन 2 विस्टा, और ये नॉइज़ की सबसे सस्ती एमुलेट प्लस कॉलिंग वॉच है। आज इसका फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है जैसा कि नॉइज़ की वॉचेस में मिलता है, और काफ़ी सारे फीचर्स मेंशन किए हुए मिलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्राउडली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक लिफाफा मिलता है जिसमें आपको नॉइज़ के स्टिकर्स, उसके बाद वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल मिल जाती है, उसके बाद वॉच मिल जाती है और एक केबल दी गई है जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में मिल जाती हैं। बाकी आते हैं वॉच की तरफ, और इसको ऑन करते हैं और फ़ोन से पेयर करते हैं। और पेयर करना काफ़ी ईजी है, बस एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद जाना है एड न्यू डिवाइस पे, और देख सकते हैं यहाँ पर वॉच आ गई है, इस पर टैप कर देना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। बाकी इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। और इसमें नॉइस फिट ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अब फोकस करते हैं वॉच पे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की वॉच मिल जाती है। और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, और इस तरह का आपको स्क्वायर डायल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एक बटन दी गई है जो कि नॉर्मल बटन है, और इसमें आपको नॉइस का लोगो भी मिल जाता है जो कि मस्त लगता है। और सबसे अच्छी बात, इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो ये सभी रिस्ट पे अच्छी लगने वाली है और लेडीज़ के लिए भी काफ़ी सही होने वाली है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेम मिलता है वो मेटल का दिया गया है, और जो बैक पैनल वो प्लास्टिक का मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और स्ट्रैप की बात करें तो यहाँ पर हमेशा की तरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको स्ट्रैप मिल जाता है, और इसका साइज़ है 22 mm, और रिप्लेसेबल स्ट्रैप है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बाकी स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पर IP68 की रेटिंग मिलती है, तो लगभग 1.5 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन काफ़ी तगड़ी है इस वॉच की। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ, तो यहाँ पर 1.78 इंचेस की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 360x448 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्रिस्प है, शार्प है, और कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी अच्छी खासी ब्राइट है, और आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके साथ इसके डिस्प्ले में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है, और इसमें आपको दो तरह के वॉचेस मिल जाते हैं, एक एनालॉग दूसरा डिजिटल। बाकी जो ऑलवेज ऑन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो आउटडोर में आपको दिक्कत हो सकती है। और बेजल की बात करें तो इसमें बेजल भी काफ़ी कम मिलते हैं, और इसके डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसके साथ इस वॉच में आपको रेस्ट वेक फंक्शन भी मिल जाता है, जो कि अच्छे से वर्क करता है, रिस्पॉन्सिव है, तो जैसे फ्रेंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। बाकी वॉचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 6 वॉचेस मिल जाते हैं वॉच में। उसके साथ ही यहाँ पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं, और क्वालिटी काफ़ी तगड़ी आती है। एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, बट इसमें आपको बस एक ही तरह की मेन्यू स्टाइल मिलती है। अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स की, तो चलते हैं इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉइज़ हेल्थ में जाएंगे, तो यहाँ पर एक्टिविटी में जाएंगे, तो यहाँ सब एक्टिविटी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि स्टेप्स हो गया, कैलोरी, किलोमीटर, ये सब डेटा वगैरह शो हो जाता है। उसके बाद हार्ट रेट हो गया, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन, उसके बाद स्ट्रेस मॉनिटरिंग, और यहाँ पर ब्रीथ रेट का फीचर भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद स्पोर्ट्स में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको 60 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जिसमें आपको वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, दुनिया भर के मोड्स दिए गए हैं, जो कि आपके काम के हैं। और उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर मैसेजेस में जाएंगे, तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि नॉइज़ की वॉचेस में जल्दी हिंदी का सपोर्ट मिलता नहीं है, बट इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद नॉइज़ बस में जाएंगे, तो यहाँ से रिसेंट कॉल हो गया, उसके बाद डायल पैड और कॉन्टैक्ट्स का फीचर दिया गया है, और इसमें आप अपने 8 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेदर फोरकास्ट मिल जाता है, जहाँ पर आपको 7 दिन का वेदर शो हो जाता है। उसके बाद कैमरा कंट्रोल, और यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दिया गया है, बट यहाँ पर आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद चलते हैं क्लॉक में, तो यहाँ पर स्टॉप वॉच हो गया, उसके बाद अलार्म, और वॉच से आप अलार्म को सेट नहीं कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर टाइमर का फीचर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर का फीचर भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, तो इस पर आप आराम से गुणागणित कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको गेम भी मिल जाता है, और इसमें आपको दो तरह के गेम दिए गए हैं, एक है यंग बर्ड और दूसरा है हैमस्टर, तो यहाँ पर आप टाइम पास भी कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स मिल जाती है, और इसमें चलते हैं तो यहाँ से वॉचेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन एंड रिंग में जाएंगे, तो यहाँ से मोड को सेट कर सकते हैं, आपको म्यूट करना है, रिंग रखना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं, और स्क्रीन क्लॉक में जाएंगे, तो यहाँ से आप ऑलवेज ऑन को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट हो गया, उसके बाद पावर ऑफ, रीसेट, रीस्टार्ट, फाइंड फोन, और ऐप में चलते हैं तो यहाँ पर QR कोड आ जाता है, जिसको स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। और एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर इस वॉच की एक्यूरेसी काफ़ी दमदार है,
सबसे पहले इसके पेडोमीटर की बात करें तो ये काफी अच्छे से वर्क करता है, और अगर आप 100 स्टेप्स लेते हैं तो ये 97-98 काउंट कर लेती है, तो इसके स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी काफी तगड़ी आपको मिल जाती है। बाकी हार्ट रेट की बात करें तो इसका हार्ट रेट भी काफी अच्छे से वर्क करता है, और मैंने इसको ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो देख सकते हैं जो रीडिंग आ रही है काफी हद तक मैच कर रही है। एसपीओडी की बात करें तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी काफी हद तक एक्यूरेट आता है, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आप एसपीओडी के लिए वॉच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और इससे आप स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ब्रीथ रेट का फीचर भी दिया गया है जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। और इसकी जो स्लीप ट्रैकिंग है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है, और मैंने इसको पहना बट सोया भी नहीं और इसने रीडिंग कर ली, तो यहाँ पर जो स्लीप की एक्यूरेसी है वो अच्छी नहीं है। बाकी ओवरऑल आपको सब कुछ अच्छा मिल जाता है इसमें। अब इसमें कॉलिंग फीचर दिया गया है, तो यहाँ पर आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और इसमें कॉल स्विच का फीचर भी मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। और स्पीकर की क्वालिटी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। प्रीपेड सेवाओं के लिए एक तो स्पीकर आपको काफी क्रिस्प मिल जाता है, और आप आराम से इसे बात कर सकते हैं। बाकी रही बात यूआई की, तो यहाँ पर यूआई भी काफी अच्छा मिल जाता है और लैग नहीं करता है। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो जाती है, उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दिया गया है जहाँ पर आपको फाइंड फोन, उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं, उसके बाद DND हो गया, सेटिंग, टॉर्च और म्यूट आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाती है जहाँ पर सारे फीचर्स दिए गए हैं। उसके बाद डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉचेस को चेंज कर सकते हैं, और बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का UI दिया गया है जो कि अच्छा है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप काफ़ी इंप्रेसिव है, और हैवी यूसेज पर यहाँ पर आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें। बाकी अगर आप बिल्कुल नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जो लॉन्च प्राइस है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसका लॉन्च प्राइस है मात्र 2500 रुपये, और बाद में इसका प्राइस हो जाएगा 3000। तो भाई 2500 में तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वॉच है, खासकर यहाँ पर जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मिलती है काफ़ी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले काफ़ी शानदार है, और आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाती है इस वॉच में। बाकी सबसे अच्छी बात, इसका जो साइज़ है वो कंफर्टेबल है, तो ये सभी रिस्ट पे अच्छी लगने वाली है। तो अगर आपकी रिस्ट पतली है और आपको एक अच्छी कॉलिंग वॉच लेना है विद AMOLED डिस्प्ले, तो इसके लिए जा सकते हैं। बाकी उसके पहले कमी भी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमी भी देखने को मिल जाती है। सबसे पहली कमी की बात करें तो यहाँ पर जो स्लीप ट्रैकिंग है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है, और दूसरी कमी की बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ टाइम का फीचर नहीं मिलता है जो कि होना चाहिए था, और इसकी डिस्प्ले बार बार ऑफ हो जाती है और आप इसको सेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी कमी की बात करें तो यहाँ पर सिंगल चिप का सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि होना चाहिए था, क्योंकि Noize की 2000 के वॉचेस में आपको सिंगल चिप का सपोर्ट मिल जाता है, बट इसमें आपको नहीं मिलता है, और इसको आपको 2 जगह पर पेयर करना पड़ेगा तभी आप कॉलिंग फीचर को यूज़ कर पाएंगे। तो ये इसमें कुछ कमी भी देखने को मिल जाती है। बाकी ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वॉच है और आप लोग ले सकते हैं, और इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि यह है जेट ब्लैक जो कि काफ़ी मस्त लग रही है, उसके बाद मिड नाइट गोल्ड हो गया, उसके बाद डीप वाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उसके बाद रोज गोल्ड, सिल्वर ग्रे, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप लोगों को जो पसंद आप लोग ले सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर ले सकते हैं। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों को वॉच कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।